इन सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ये जिंदगी की बहुत बड़ी अनमोल चीज है। साथियों बात करेंगे आज फ्रांस के बारे में कि फ्रांस के कौन कौन से वीज़ा ओपन हुए, कैसे जाएँ, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ के क्वारंटाइन रूल क्या हैं और इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथियों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, जो आप अपना कीमती टाइम दे रहे हो उसका सदुपयोग कर सको और आपको जो एक इन्फॉर्मेशन चाहिए वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की स्क्रीन में मेरे व्हाट्सअप नंबर रहेंगे, आप मुझे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका ऑल ओवर वर्ल्ड आपको कहीं का भी वीज़ा चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, डेफिनेटली मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों फ्रांस के बारे में। साथियों फ्रांस जो है यूरोप की एक मोस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है, जहाँ सबसे ज़्यादा ईयरली लोग घूमने आते हैं, क्योंकि रीजन है एफिल टावर वहाँ पे है और पेरिस वहाँ की कैपिटल है, उसको लव सिटी के नाम से बोला जाता है। तो जो न्यूली कपल होते हैं उनकी एक टॉप 10 डेस्टिनेशन में से काउंट होने वाली एक है अगर एब्रोड जा रहे हैं तो साथियों बहुत ही प्यारी जगह है। तो इसको ध्यान रखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, ऑल वीज़ाज, फ्रांस की गवर्नमेंट ने सभी प्रकार के जो वीज़ाज हैं वो ओपन कर दिया है। किसी प्रकार का कोई वीज़ा में रोक टोक नहीं है। जिन भाइयों को बाहर जाना था, ये इंतज़ार कर रहे थे कि यार कोविड आ गया, इस कंट्री ने बंद कर दिया, इस ये हो गया, वो हो गया, तो साथियों ये जो अभी बेस्ट टाइम है, आप अगर फ्रांस जाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है। सेकंड साथियों और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने वीज़ाज ओपन कर दिए हैं, तो शेंगेन वीज़ा भी लग रहा है। तो जिन भाइयों को बाहर जाके सेटल होना है यूरोप के अंदर, तो इससे बेस्ट टाइम नहीं है साथियों, क्योंकि अभी यूरोप के अंदर जो वीज़ा अप्रूवल है वो 99.99% वीज़ा अप्रूव होगा। 1% कोई कमी के कारण हो जाए तो बात अलग है, बाकी 100% वीज़ा अप्रूवल आएगी। तो इससे बेस्ट टाइम नहीं है शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने का। शेंगेन वीज़ा अप्लाई करके आप अपनी जिस भी ड्रीम कंट्री में सेटल होना चाहते हैं हो जाइए साथियों, क्योंकि इससे बेस्ट टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस टाइम हर एक कंट्री है, भले वो फ्रांस है, भले वो जर्मनी है, पोलैंड है, पुर्तगाल है, स्विट्जरलैंड है, नॉर्वे है, इटली है, कोई भी कंट्री है वो टूरिज्म के अंदर लॉस झेल रही है। साथियों एक अनुमान के अनुसार बताता हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो 30,000,000,000,000 के नीचे चली गई है, मतलब इतना आर्थिक नुकसान हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि वीज़ा रिजेक्शन के आपके क्या चांस हैं। तो जिन भी भाइयों को फ्रांस का सीनियर वीज़ा चाहिए या फ्रांस का वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, किसी प्रकार का कोई भी वीज़ा चाहिए, मुझे आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। किसी प्रकार की और कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो की स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है। रही बात अगर फ्रांस की कवर टाइम की करें, तो कवर टाइम अगर आप वैक्सीनेशन नहीं हो, एक डोज लेट हैं, तो आपको कवर टाइम देना पड़ेगा। अदरवाइज आपको वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है और आपका जब तक वहाँ पहुँचने के बाद कोविड रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक तो आपको कवर टाइम रहना कंपलसरी है। लेकिन अगर आप यूएसए, यूके, इन कंट्रीज से हैं तो आपको कवर टाइम नहीं रहना पड़ेगा, आप अपनी रिपोर्ट करवाइए और चले जाइए। अगर आप अपर बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया के लोगों के लिए क्या बेनिफिट्स है, कैसे जाएँ, साथियों अभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी ईजिली है, इतनी फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स तो सारे ही चाहिए होंगे, लेकिन अभी वीज़ा जो अप्रूवल के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, रिजेक्शन के चांसेस कम हैं, क्योंकि हर कोई कंट्री चाहती है कि भाई हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। अगर 100 लोगों में से 10 लोग वापस भी नहीं आए या 20 लोग भी वापस नहीं आए तो कम से कम खर्चा तो हमारे देश में कमा के हमारे ही देश में करेंगे। सेकेंड वहाँ पे साथियों लेबर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यूरोपियन लोगों को बोलते थे कि यार यूरोपियन लोगों की लाइफस्टाइल बड़ी अच्छी, इम्यूनिटी तगड़ी होगी, लेकिन कोरोना ने जो उनकी बैंड बजाई ना, ऐसी बैंड बजा दी कि लाखों के अंदर मौतें हो गई। कोरोना ने जो दहशत मचाई थी आप सोच नहीं सकते। तो इस वजह से वहाँ पे इंडियंस युवा वर्कर्स की या इंडियंस जो भी वर्कर्स आते हैं उनकी बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि हार्ड वर्क करते हैं, पैसा भी कम लेते हैं, लोकल लोगों से कम पैसा लेते हैं, तो इसलिए लोग क्या हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो अभी वीज़ा देंगे। तो साथियों ये आपके लिए राइट टाइम है, आप अपना जो कीमती टाइम है वो ख़राब ना करके आप अपने वीज़ा प्रोसेस में लग जाइए, क्योंकि टाइम ख़राब करने का कोई औचित्य नहीं है।
जहाँ भी आप भले ही फ्रांस आप कुछ टाइम के लिए आगे निकलना है, आप धीरे धीरे सभी कंट्रीज ओपन कर रही हैं, तो आपके पास ये गोल्डन टाइम है अपनी ज़िंदगी सेट करने का, क्योंकि कोविड के कारण ऑलरेडी आप 18 से 20 महीने से मेरे हिसाब से घर पे बैठे होंगे, जिन भी भाइयों को यूरोप में जाना था क्योंकि जा ही नहीं पा रहे थे। तो ये एक गोल्डन टाइम आया आपके लिए, गॉड ने ये गोल्डन टाइम भेजा है। जो भी था पहले, जैसे किसी का वीज़ा रिजेक्शन हो गया था, तो अब दोबारा फिर मौका है जिनके वीज़ा रिजेक्ट हुए थे उनके अप्रूवल मिलने के, या जिन न्यू वीज़ाज हैं जो फ्रेश पासपोर्ट हैं उनको भी वीज़ा इजीली मिलेगा। तो इसीलिए साथियों मैं तो यही कहूँगा, तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, वीज़ा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हेल्प चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरे हैं, आप मुझे कभी भी कांटेक्ट करो। वीज़ा बेस्ट रेट में आपको वीज़ा मिलेगा, शेनिगन वीज़ा मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, मेरे से बेस्ट रेट आपको ऑल ओवर इंडिया में शेनिगन वीज़ा की नहीं दे सकता है। और आज तक साथियों हमारा शेनिगन वीज़ा का जो अप्रूवल रेशियो है वो 98% है साथियों।